एल्गी के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि वो लार्जली एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में मिलेगा तुमको और मेराइन वाटर सी ओशन में भी मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल बात है। दे अकर्स इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिट्स, मॉइस्ट स्टोन पे मिल जाएगा, सॉइल्स में मिल जाएगा, वुड में मिल जाएगा, एल्गी तुमको यहाँ यहाँ दिख जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि सम ऑफ देम ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विथ फंजाई, जो लाइकेन बनता है, और एनिमल्स का एग्जाम्पल है स्लोथ बियर। मतलब सब ये याद तो सब रखता है कि फंजाई और एल्गी जब साथ में रहते हैं तो वो लाइकेन बनाते हैं, ये याद सबको रहता है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल कोई याद नहीं रखता कि फंजाई जब एनिमल के ऊपर भी रहता है वो एनिमल कौन सा है, तो वो स्लोथ बियर है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहता है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है। एल्गी और फंजाई जब साथ में रहता है तो लाइकेन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो लाइकेन में एल्गी जो है खाना बना के देता है फोटोसिंथेसिस करके, और फंजाई जो है मिनरल वाटर ये सब एब्जॉर्ब करके देता है, तो ये स्ट्रक्चर को लाइकेन बनते हैं। उसी तरह ये देखो, यही है स्लोथ बियर, इसके स्किन पे देखो ये सब जो है ये एल्गी लगा हुआ है, तो एल्गी इसके ऊपर रहता है। तो इसको क्या फ़ायदा है, इसको कैमोफ्लेज में मिल गया, मतलब शिकारी से बचने में हेल्प हो गया, कैमोफ्लेज करवाता है। और इसको एल्गी से क्या मिला और एल्गी को क्या मिला, एल्गी इसके ऊपर रहता है तो शेल्टर मिल चुका है, और इसके स्किन से वो वाटर वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, और तो दोनों का फ़ायदा हुआ, तो दोनों का सिम्बायसिस हुआ। तो मेन याद रखना है कि एल्गी जो है फंजाई के साथ रहता है तो लाइकेन, और एनिमल हमारा कौन सा एनिमल है जिस पे एल्गी रहता है, तो वो स्लोथ बियर होगा, मेन एग्जांपल।